मैं बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहता हूँ, मगर उसका होलसेल मार्केट कहाँ मिलेगा मुझे? कई मित्र ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि सर होलसेल मार्केट बताइए, सर को होलसेलर का नंबर दीजिए। ये प्रश्न हर नए बिजनेसमैन के साथ पहाड़ जैसा खड़ा होता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि उसका होलसेल मार्केट कहाँ होगा, होलसेलर कहाँ होंगे। एक बिजनेसमैन है जो अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और वो अच्छा टर्नओवर कर रहा है। आप उनसे जाकर पूछिए कि आप माल कहाँ से लाते हो, आप कितना प्रॉफिट लेते हो, कहाँ मार्केट है उसका, उसका होलसेलर व्यापारी कौन है, क्या वो आपको बताएगा? शायद नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं बताएगा। अगर आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हो, कोई और दूसरा आपको कैसे बताएगा? तो आपको इस इंफॉर्मेशन को कहां से प्राप्त करना है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको होलसेल मार्केट कहां से ढूंढना है और होलसेल व्यापारी कौन है, उसको कैसे ढूंढना चाहिए। और अगर आपको मार्केट के बारे में मालूम है, तो आपको जिस मार्केट के बारे में मालूम है वहां से होलसेल व्यापारी को कैसे ढूंढा जाए। और तीसरी बात मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो होलसेल व्यापारी ढूंढ रहे हो उसके पास से कैसे खरीदी करनी है आपको, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। मित्रों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिए। आप अधूरी अधूरी वीडियो देखते हो और फिर कमेंट करते हो कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपको होलसेल मार्केट ढूंढने में और व्यापारी ढूंढने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूं, हो सकता है इसमें कुछ टिप्स आपको मालूम भी हो और कुछ टिप्स के बारे में आपको मालूम न हो। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हैं बोका बिजनेस। तो चलिए बिजनेस सीख लेते हैं। तो मित्रों, पहली टिप्स है नौकरी कीजिए आप। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस टाइप का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस टाइप की दुकान में, उस टाइप के यूनिट में, उस टाइप के मैन्युफैक्चर में आप पहले नौकरी कीजिए। वहाँ आप कुछ महीने नौकरी कर सकते हो, कुछ छः महीने, कोई एक साल आप नौकरी करोगे तो आपको वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वालिटी, क्वान्टिटी, होलसेलर, व्यापारी, मार्केट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है पहला। दूसरा तरीका ये है कि आप YouTube में जाए और उस बिजनेस के रिलेटेड कुछ वीडियो देखिए। देखो, मैं यहाँ आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि YouTube में जो भी वीडियो अवेलेबल हैं, सारे के सारे वीडियो सही हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और सारे के सारे वीडियो गलत हैं ये भी नहीं है। कई वीडियो बिल्कुल सही भी होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। आपको अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। YouTube से आपको ज़्यादातर किसी भी टाइप का मार्केट और उसके होलसेलर का नंबर भी आपको मिल जाएगा और वो मार्केट भी आपको मिल जाएगी। तीसरा तरीका है कि आप गूगल में जाइए और सर्च कीजिए। आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कीजिए। मान लीजिए आप एलईडी बल्ब का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप गूगल में जाकर लिखिए कि एलईडी बल्ब होलसेलर या मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो आपको वहाँ से बहुत साइटें खुलेगी और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको उसका होलसेल मार्केट कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, बॉम्बे में कहाँ है, अहमदाबाद में कहाँ। कई व्यापारी आपको दिखेंगे जिसमें आपको इंडिया मार्ट भी मिलेंगी, जिसमें आपको जस्ट डायल भी मिलेंगी। इंडिया मार्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जो व्यापारी होते हैं उसका नंबर नहीं देते ये लोग, ये इंडिया मार्ट का नंबर होता है, तो यहाँ थोड़ी आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। मगर बेहतर प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल। जस्ट डायल में जब भी आपको व्यापारी मिलेंगे उसका सीधा कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट मिलेगा और आपको उसका पूरा सही एड्रेस भी मिलेगा। तो आप ज़्यादातर जस्ट डायल का यूज़ कीजिए। जस्ट डायल में आपको बिल्कुल सही जानकारी मेरे हिसाब से मिलती है। और दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना कि इंटरनेट पर जो आपको व्यापारी मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं ऐसा नहीं है, कुछ व्यापारी उसमें गलत भी हो सकते हैं, तो आपको तुरंत उसके पास से खरीदी नहीं करनी है। उसके पास से आपको कैसे खरीदनी करनी है वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ, मगर ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको वहाँ से मार्केट और होलसेलर दोनों मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस टाइप के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस टाइप के ब्रोकर को मिलिए, उसके दलाल को मिलिए। देखो, मार्केट में बहुत सारे दलाल अवेलेबल हैं। आप जिस टाइप के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस टाइप के ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। उसके पास से आपको मार्केट भी मिलेगा, उसके पास से आपको अच्छा से अच्छा होलसेलर भी मिल जाएगा। क्योंकि जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी न हो, तो ब्रोकर को इन सब
चीज़ों की जानकारी होती है। और दूसरा, ब्रोकर अपना 2% या 2.5% या 1% अपना बीच में कमीशन लेगा, मगर आपको और कोई दिक्कत नहीं आने देगा वो, क्योंकि वो माल जो आप मंगवा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा माल आएगा, माल में कोई खराबी नहीं होगी, सामने वाला व्यापारी आपसे चीटिंग भी नहीं करेगा, क्योंकि बीच में दलाल होगा तो वो चीटिंग नहीं कर सकता। तो दलाल का आप संपर्क कर सकते हो और दलाल के पास से भी आप इस टाइप के होलसेल व्यापारी ढूंढ सकते हो। पाँचवीं टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उस टाइप के और भी व्यापारी हैं, और भी बिजनेसमैन हैं जो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसके पास जाइए और उनसे पूछिए बिजनेस के बारे में। देखो, यहाँ आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछिए और वो बता देंगे आपको ऐसा नहीं है, मगर कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, अच्छे व्यापारी भी होते हैं, वो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ा और दूसरे भी आगे बढ़े, तो वो आपको बताएंगे कि भी उसका मार्केट आपको कहाँ मिलेगा और उसकी प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगी, उसका होलसेल व्यापारी कौन है। और देखिए एक बात, ये जो व्यापारी आपके बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टिक इन्फॉर्मेशन है और सबसे ज़्यादा बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो लोग माल खरीद रहे हैं और आपको बताएंगे, तो आपको इस टाइप के व्यापारी से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो, ऐसा नहीं है कि हर व्यापारी नहीं बताएंगे, आप जिस व्यापारी को बिल्कुल नहीं जानते हो आपको अपनी शर्म को छोड़ देना है, आपको वहां जाकर उसको पूछ लेना है, अगर नहीं बताएगा तो मना कर देगा ना, और क्या करेगा। तो ऐसा कुछ माइंड में टेंशन नहीं लेना है कि मैं कैसे किसी को बताऊं, कैसे किसी से पूछूं, ऐसा आपको नहीं लेना है, नहीं रखना है, और सीधा जाके उसको पूछ लेना है कि देखो भैया, मैं इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूं, आप कुछ मेरी हेल्प कीजिए, आप उसके मार्केट के बारे में बताएं, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि उसका होलसेल बड़े होलसेल व्यापारी कौन है, तो वो आपको ज़रूर बताएगा। सिक्स टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो उस टाइप के बिजनेस के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लीजिए। उस पार्टनर को सारी चीज़ के बारे में मालूम है, उसको अनुभव है, उसके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नहीं है, अगर वो आपके साथ मिल जाएगा तो उसके पास से आपको मार्केट और होलसेलर बड़े होलसेलर व्यापारी उसके पास से आपको मिल जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मगर कई मित्र ऐसा भी करते हैं कि हमें पार्टनर नहीं चाहिए, मैं अपना अकेला, हम अपने दम पर काम करना चाहते हैं, हम अकेला करना चाहते हैं, तो आगे वाले जो मैंने फाइव टिप्स बताई उसका आप यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूर बड़े होलसेलर और मार्केट भी मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको मालूम है कि होलसेल मार्केट कहाँ पर है, मान लीजिए अगर आप जूते चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ इंद्रलोक मार्केट है जो जूते चप्पल के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है, आपको ये मालूम है कि मैं इंद्रलोक से जूते चप्पल खरीद सकता हूँ, मगर आपको ये मालूम नहीं है कि इंद्रलोक में बड़े होलसेलर कौन हैं, तो आपको इंद्रलोक मार्केट में कैसे बड़े होलसेलर ढूंढना है, वो उसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है कि आपको दिल्ली में इंद्रलोक मार्केट में जाना है, और पहली बात तो ये है कि अगर आप होलसेल के लिए ये कर रहे हैं जो आपको रिटेल को बेचोगे तभी आपको जाना है, अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा। तो आप होलसेल करना चाहते हो तो आपको दिल्ली के इंद्रलोक में जाना है, और इंद्रलोक में तो क्या है, इंद्रलोक में तो बहुत सारे व्यापारी हैं, कोई 500,000 व्यापारी होंगे, तो वहाँ से आपको कैसे पहचाने कि भी सारे लोग बड़े होलसेलर हैं, इसमें बड़े होलसेलर तो कुछ ही होते हैं, बाकी तो छोटे छोटे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक तो पहला दिल्ली में आपको 2-3 दिन रुकना है, सुबह गए शाम को या 2-3 घंटे में चले आए ऐसा नहीं है, 2-3 दिन रुकना है, पूरी मार्केट का आपको सर्वे करना है, पूरी मार्केट में घूमना है, और पूरी मार्केट में सारे व्यापारी के पास आपको जाना है और उसके पास से अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको प्रोडक्ट निकलवाना है कि भैया इसकी प्राइस क्या है, वो बोलेगा आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप 500 पीस बोल सकते हो, 1000 पीस बोल सकते हो, क्योंकि दिल्ली का मार्केट है, ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो आपको अच्छी प्राइस में वो बताएगा। तो आपको क्वांटिटी 500-1000 बोलनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 50 पीस चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको बोलना तो उसको 500 ही है, क्योंकि 500 बोलोगे तभी वो अच्छा रेट आपको देगा। तो इस टाइप से आपको उसकी क्वालिटी देखनी है और आपको उसका रेट देखना है। देखो, बड़े मार्केट में जाने से पहले आपको उस जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के बारे में आपको जान लेना है, अगर आपको उसके बारे में मालूम नहीं है तो भी आप थोड़ा सा घूमेंगे 8-10-15-20-25 व्यापारियों के पास तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी प्राइस क्या है। जब आपको लगे कि भी ये जो एक व्यापारी है जिसके पास से उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बिल्कुल सही है, थोड़ी कम है,
तो आपको उससे पास से खरीद कर सकते हो। दूसरी बात, जो बड़े होलसेलर है ना, वो आप जैसा मार्केट में एंटर करोगे तो बड़े बड़े कांच के कई दुकानें होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा करके उन लोगों ने फर्नीचर लगवाए हैं, तो जो बड़े होलसेलर हैं उसके पास से ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बड़े होलसेलर के पास तो क्या है, उसके पास सिर्फ माल ही माल होता है। जब आप उसकी शॉप में एंटर मारोगे तो सिर्फ आपको माल दिखेगा, बहुत ज़्यादा फर्नीचर आपको नहीं दिखेगा। तो जिस दुकान में आपको ज़्यादा फर्नीचर न दिखे और सिर्फ माल ही माल दिखे, और जिसके पास आपको दिखेगी भी इसके पास तो 5-6 कस्टमर ऑलरेडी बैठे हैं, अगर ज़्यादा कस्टमर बैठे हैं, ज़्यादा और वो व्यापारी उसके पास खरीदी कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात, जिसके पास से ज़्यादा लोग खरीदी कर रहे हैं, आप भी उसके पास से ही खरीदी करो, क्योंकि ज़्यादा लोग कब खरीदी कर रहे हैं कि माल अच्छा दे रहा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, प्राइस उसकी अच्छी होगी, व्यापारी अच्छा होगा, बाद में चीटिंग करने वाला नहीं होगा, तो इसलिए उसके पास से ज़्यादातर व्यापारी माल खरीद रहे हैं। तो आपको उस व्यापारी के पास से माल खरीदना है कि जिसके पास से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और बड़ा है। और दूसरी बात, जब आप किसी भी दुकान में एंट्री मारोगे और पूछोगे भैया ये जो चप्पल है इसके क्या प्राइस है, तो वो बोलेगा ठीक है मैं आपको बताता हूँ कितना चाहिए, तो बोले आप बोलो 1000 पीस चाहिए, ठीक है मैं बताता हूँ, वो दूसरे को कॉल करेगा कि भाई इसका प्राइस क्या है, प्राइस जानेगा फिर आपको प्राइस बोलेगा, तो आप समझ लेना कि उसके पास माल नहीं है, कुछ सैंपल पीस उसके पास हैं, क्योंकि वो भी दूसरे बड़े होलसेलर से पूछताछ कर रहा है कि भाई इसकी प्राइस क्या है, कस्टमर आया है, तो इसके पास से आपको ज़्यादातर माल नहीं लेना है, क्योंकि अगर उसके पास से आप माल लोगे तो बीच में उसका कमीशन आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पहुंचना है बड़े होलसेलर के पास, जो तुरंत बोलेगा कि भाई इसकी प्राइस क्या है, कि इतनी है, इसकी प्राइस इतनी है, यही क्वालिटी में आएगा, यही क्वालिटी में आएगा, तो आप समझ लेना कि ये बड़ा होलसेलर है। और एक और पॉइंट मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूँ कि आपको कैसे माल खरीदना है कि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। देखो बड़े मार्केट में क्या है कि आप जिस व्यापारी के पास जा रहे हो, आपने बोला कि मुझे 1000 पीस चाहिए, उसने आपको माल बताया कि भाई देखो इस टाइप का माल आएगा, और आपने 1000 पीस तुरंत खरीद लिए, आप लेकर यहाँ पर आ गए, हो सकता है व्यापारी अच्छा ना हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले उसके पास से कुछ सैंपल पीस मंगवाने हैं, 5-10 पीस भी ले सकते हो कि भाई देखो भैया मेरे को सैंपल पीस सैंपल के तौर पर आप कुछ मेरे पीस दीजिए और मैं उसको टेस्ट करता हूँ, मैं अपनी तरफ से देखता हूँ, फिर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आगे बात करूँगा। अच्छा व्यापारी होगा तो आपसे बोलेगा ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपको जितना चाहिए ले जाओ, जब आपकी मर्जी हो आप ले जाओ। और जो व्यापारी अच्छा नहीं होगा वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो सैंपल नहीं देते हैं, सैंपल किसी को नहीं देते हैं, आपको तो 500 पीस लेना ही चाहिए, तो आप पहले क्यों 500 पीस के बारे में बोल रहे हो। तो इस टाइप का जो व्यापारी कर रहा है शायद हो सकता है वो चीटिंग करें। तो आपको पहले कुछ पीस लेने हैं, सैंपल पीस लेने हैं, आपको उसको देखना है कि बिल्कुल ठीक है, फिर आपको 50 पीस या 100 पीस खरीदने हैं, फिर आपको 200-500 पीस खरीदने हैं, ऐसे करके आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तुरंत डायरेक्ट सीधा माल ज़्यादा नहीं खरीद लेना है। आप जिस प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस करना चाहते हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप समझ सकते हो, उसकी क्वांटिटी को आप समझ सकते हो, उसकी प्राइस के बारे में भी अगर आपको पहले से थोड़ा सा मालूम है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी माल ले सकते हो। मगर अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा पीस नहीं पहले नहीं खरीदना है, क्योंकि व्यापारी बोलेंगे कि देखो भाई 100 पीस लोगे तो इसका तो 50 रुपया रेट है, अगर आप 500 पीस लोगे तो इसका रेट 42 हो जाएगा, तो रेट कम करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। मगर आपको भले ज़्यादा रेट लगे कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम लेना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग कीजिए और अपनी तरफ से बिजनेस में आगे बढ़िए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।